द्वारका में भगवान कृष्ण राजा बने, उससे पहले वहां राजा थे सत्राजीत। सौराष्ट्र के लोगों ने भगवान को महान समझा तो सत्राजीत को राजा रहने दिया। अपना जो संपत्ति, अपना जो धन है, वो भगवान को समर्पित कर दिया सौराष्ट्र के लोगों ने, और ये कहा कि ये आज से हमारे राजा हैं, हम इनकी पूजा करेंगे, इनकी आज्ञा में रहेंगे। तो दो राजा हो गए तो विरोध तो हो ही गया, पर सत्राजीत जो राजा थे वो बहुत अच्छे थे, खराब नहीं थे, बहुत तपस्वी थे। ये कथा मैंने कल सुनाई थी, पर समझाना है नए लोगों को तो रिपीट कर रहा हूं। तो सत्राजीत भगवान नारायण सूर्य के भक्त थे, और उन्होंने सूर्य की इतनी उपासना की कि सूर्य प्रसन्न होकर के सत्राजीत को सम्यंतक मणि उन्होंने दान कर दी। और सम्यंतक मणि का क्या मनुष्य के लिए प्रभाव है, तो सूर्य भगवान ने वो भी बताया कि 108 बार दिन में ये मणि राजा सोना देगी तुमको, और एक बार में सवा मन सोना देगी। दूसरा, जब तक ये मणि तुम्हारे कंठ में है, तुम्हें दुनिया में कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। तो कल की कथा में मैंने अलग प्रकार से समझाया था, आज आपको ये सीधा सीधा कहानी समझा दी। राजा को जब सम्यंतक मणि मिल गई तो राजा ने सोने के ढेर लगा दिए। राजा के गले में हमेशा मणि रहती, तो पूरे देश के, पूरे आर्यवर्त के, पूरे भूखंड के राजा सत्राजीत के दुश्मन हो गए, केवल भगवान द्वारकानाथ को छोड़ के। सब चाहते थे कि वो मणि हाथ लगे हमारे, पर भक्ति से जो चीज मिलती है वो छिनाकर कभी ली जा सकती नहीं है। माता पिता से लेकर के परिवार में आप हर चीज के हकदार हो सकते हैं कानूनन, पर केवल ज्ञान और भक्ति ऐसी संपदा है, इनके लिए दुनिया का कोई भी कानून तुम्हारी संपत्ति को तुमसे अलग नहीं कर सकता। भक्ति और विद्या ये तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। और दो तरह के लोग होते हैं समाज में, कुछ लोग जो सत्राजीत को मानते थे उन लोगों ने झूठी हल्ला मचा दिया कि देखो सत्राजीत महाराज, ये जो कृष्ण है ये तुम्हारी उन्नति से जलता है, और वो तो हर जगह होते लड़ाई करवाने वाले बिचौलिए, बिना वजह की आग पैदा कर दी। और द्वारकानाथ को तो कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि द्वारकानाथ बहुत सत्ताधारी थे, बहुत बड़े सत्ताधारी, तो ऐसे राजा महाराजा तो उनकी बगल में पड़े रहते, उनको कोई पड़ी नहीं थी। पर लोगों ने फिर भी सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन बिना बताए भाई के कमरे में घुस गया, और आज वो रात्रि में सो रहे थे सत्राजीत, तो मणि को उतार के सोते थे। सत्राजीत के भाई ने मणि को गले में धारण कर लिया और रात्रि में ही घोड़े पे सवार होकर के जंगल की ओर निकल गया, क्योंकि वो अच्छा नहीं था, वो शिकार खेलता था और सुंदर सुंदर जानवरों को मार के खाता था। तो भगवान की ये कृति है कि भगवान की कृपा से आपको अगर कोई बल प्राप्त हुआ है, धन प्राप्त हुआ है, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से अगर आपको कोई बुद्धि प्राप्त हुई है, कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, अगर आपने उस ज्ञान को और बुद्धि को केवल अपने सुखों में ही यूज किया, तो वो वरदान आपके ऊपर फलित नहीं होगा, क्योंकि वो मणि जो है वो सत्राजीत की थी, प्रसेन की नहीं थी। तो कंपनी भले ही इंजेक्शन सभी मरीजों के लिए एक ही बनाती है, एक ही रोग में एक ही इंजेक्शन, मरीज चाहे गुड्डू लगवाओ चाहे पप्पू लगवाओ, उस रोग के लिए वही है तो वही लगाती है, पर बंधु ऐसा नहीं, मरीज को सभी को वो इंजेक्शन सूटेबल नहीं है,
वो सबको सूट नहीं होता। पुराने जमाने में आयुर्वेद का जब जमाना था तब ये एलोपैथी नहीं थी, अंग्रेजों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि दुनिया में जो पैथी है सबसे प्राचीन वो तो आप जानते ही हैं कौन सी है, आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद में पुरानी परंपराएं ऐसी हैं कि आयुर्वेद में दवा को बना के रखा नहीं जा सकता था पहले। प्रत्येक मरीज को चाहे बुखार ही आया है, 100 लोगों को बुखार, सबको गांव में बुखार आया है, क्योंकि कभी कभी ये वायरस ऐसा ही होता है कि पूरे के पूरे घर में खांसी खांसी खांसी, पूरे घर को जुकाम जुकाम जुकाम, पूरे घर को एक ही जैसी बीमारी हो जाती है। तो एक ही दवा देते हैं डॉक्टर लोग आजकल, कोरोना में एक ही दवा देते थे, पर ऐसे हमारे ऋषि मुनि नहीं थे। हमारे ऋषि मुनियों का मानना ऐसा था कि रोग भले ही एक ही है सबको, पर सबके रोग को आने के रास्ते अलग अलग हैं। समस्त बॉडी की प्रकृति, बॉडी को पैदा होने का टाइम अलग है, तो बॉडी की सिस्टमेटिक व्यवस्था भी अलग अलग है। इसीलिए हमारे जो वैद्य लोग थे वो पूरी बॉडी का चेकअप करते थे, नाड़ी परीक्षण करते थे, नाड़ी देखते थे, नस देखते थे, और प्रत्येक मरीज को हाथ से बनाकर खलबत्ते में कूट कर तत्काल पुड़िया बनाकर दवा देते थे, और वहीं की वहीं कभी कभी चटा देते थे, खिला देते थे। तो एक ही कथा सबके काम आएगी ऐसा नहीं है। हां, पर यह है कि कथा जितनी देर से चल रही है इसमें हरेक श्रोता को अलग अलग दवाई दी जा रही है। जिस श्रोता की प्रकृति जैसी हो वैसी कथा को चुन लो, ग्रहण कर लो, अपने स्वार्थ अनुसार, आपकी खुशी अनुसार, आपको जो अच्छा लगता हो उसे आप सुने, उसे समझें, घर ले जाएं, और जो बात आपको लग रही है कि सूट नहीं हो रही उसको यहीं छोड़ दो, उसके लिए दूसरा पड़ोस में बैठा है वो लेके जाएगा। क्योंकि सबको बीमारी अलग अलग है तो कथा भी सबके लिए अलग अलग हो रही है। केवल हमने हेडिंग एक डाला है, देवी भागवत। हेडिंग एक है पर इलाज सबका अलग अलग हो रहा है हॉस्पिटल में। एक एक शब्द औषधि है। प्रशयन को क्या हो गया? अभिमान, घमंड, और नादान हो गया वो। उसको लगा कि सम्यंतक मणि मेरे भाई को अजय बना दिया है तो ये मुझे भी अजय बना देगी। तो उसने रात्रि भर छुप छुप के निरअपराध जानवरों को मारा। रात में मणि चमकती थी, सूर्य से मिली है ना, तो रात में जो मणि है वो चमकती है सूर्य से, उसका नाम है चंद्रमा। उस मणि का नाम क्या है? सम्यंतक। सम्यंतक माने चंद्रमा। सूर्य अगर नहीं हो तो चंद्रमा रात्रि में प्रकाश करने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर स्वयं की रोशनी नहीं है। चंद्रमा के ऊपर सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, रेडियम जो लगाते हैं ना हाईवे पर रात में चलने के लिए रेडियम, तो ये जो रेडियम है यही चंद्रमा है। आपकी लाइट पड़ती है तो वो चमकता है, आपकी लाइट नहीं तो वो नहीं चमकेगा, चाहे रहने दो रेडियम। तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं इसीलिए चंद्रमा चमकता है, पर कितने दिन चमकता है? कहते हैं 14 दिन। क्यों? क्योंकि 14 दिन ही चंद्रमा के नजदीक सूर्य होता है, धरती नजदीक जाती है और 14 दिन धरती दूर चली जाती है, तो चंद्रमा चमकना धीरे धीरे कम करता जाता है, क्योंकि चंद्रमा अपनी जगह पे चुपचाप है, स्क्रू से कसा हुआ है, वो हिल नहीं सकता और सूर्य भी नहीं हिल सकता। जो कुछ लीला हो रही है वो धरती लोक पर ही हो रही है, तो सारी धरती घूम रही है और आपको पूरे भूमंडल का आनंद दे रही है, और आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपने फिक्स घर बनाया है 30 साल 20 साल 40 साल से, तो धरती आपको सबका आनंद दे रही है। क्यों? जननी माता से पालने माली माता बड़ी होती है। जननी जन्म भूमिश्च, जननी से जन्म भूमि महान होती है महाराज।
जननी पैदा करके हो सकता है आपको राक्षस बना दे। माँ का भरोसा नहीं है वो कौन से ट्रैक पे ले जाएगी आपको, क्योंकि माँ तो भोग बुद्धि वाली है ना, माँ के अंदर तो स्त्री भी है, उसके अंदर कामना वासना तृष्णा इच्छाएं सब है। अगर उसमें वासनाएं भोग है विलास है तो औलाद को किधर ले जाएगी कोई भरोसा नहीं है, वो कौन सी दिशा दिखाएगी कोई नहीं जानता। पर जन्मी ये पृथ्वी, इसमें भोग नहीं है, इसमें विलासता नहीं है, इसमें क्या है, इसमें केवल पालने की क्षमता है। आपके समस्त दोषों को ये सहन करती है, माँ नहीं सहन करेगी। आपके दोष में माँ चांटा मार सकती है, पर धरती आपको कभी चांटा नहीं मारती। आप चाहे धरती को कितना भी खराब करो, पर जननी चांटा मार सकती है, आपसे रूठ सकती है, नाराज हो सकती है, आपको घर से बाहर फेंक सकती है, पर यह धरती नहीं करती है ऐसा। इसलिए ये महान मानी है। इसीलिए नवरात्रियों में देवी की कथा सुनना आपके लिए कितना बड़ा सौभाग्य है। आपने कितनी नवरात्रि कर ली इस गांव में शहर में, पर ये हॉल ये महात्मा आपको पहले कभी नवरात्रियों में नहीं प्राप्त हुए। और ये बोध ये जो विवेक है ये आपको किसी फिलॉसफी में किसी प्रोफेसर से नहीं मिलेगा, इसके लिए तो भगवान ने मुझे आपके लिए चुना है, तो ये मुझसे ही मिलेगा। ये जगदम्बा मुझे लाइए यहाँ खींच के आपके लिए, आपकी जरूरत समझी। माता को सबका ख्याल है, उसकी औलाद है, उसको मानने वाले जहां जहां तक रहते हैं वो वहां वहां ले जाती है अपने फरिश्तों को, अपने दूत को, अपने संदेश वाहक को। तो ये जगदम्बा भवानी का मैं संदेश वाहक हूँ, आप तक संदेश लाया हूँ, और वो संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। प्रसैन की रात्रि में लाइट जली तो प्रसैन को शेर ने देख लिया। प्रसैन ने शेर से युद्ध किया, पर वो मणि जो है वो प्रसैन के ऊपर काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसका अधिकार नहीं था। अब आपको कथा इसलिए सुननी है समझनी है कि कभी रात्रि में आपके साथ ऐसा हो जाए, आप अकेले हों और शेर आपके ऊपर झपट्टा मारे, तो उस समय आप कैसे बचेंगे। तो भरत जी, उस समय बचने के लिए आदमी को गुरु भक्त भगवत भक्त होना चाहिए। अगर उसने जीवन में करी गुरु भक्ति की है भगवत भक्ति की है, तो रात्रि में जंगल में शेर भी पीछे हट जाएगा, भाग जाएगा। पर वो जो प्रसैन है वो लुच्चा था, वो साधु महात्मा भगवान भगवान किसी को नहीं मानता था, खाली मांस खाता था ताजा ताजा, दिन भर ढूंढता रहता जंगलों में, हस्ती खेलती मछली को पकड़ के खा जाता था। तो तुम में किसी में ये दुर्गुण हो तो सावधान हो जाओ, कभी अगर ऐसा संकट तुम्हारे जीवन में आया तो तुम्हें वहां बचाने वाला कोई नहीं आएगा। शेर ने प्रसैन को मार दिया, और वो जो मणि है उसे शेर अपने दांत में लगा लटका के भाग गया, क्योंकि शेर को अग्नि से भय है। शेर को अगर डराना हो कभी अकेले में तो अग्नि दिखाओ, अग्नि से वो चिढ़ता है, इसीलिए उसने प्रसैन को पकड़ा।